आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। पितर पक्ष में अपने पितरों को कैसे करें प्रसन्न? श्राद्ध कर्म किस तरह किया जाए ताकि पितर हो जाए प्रसन्न, देकर जाए आशीष? आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हर साल पितर पक्ष को पितरों के प्रति आदर, श्रद्धा, कृतज्ञता आदि के लिए जाना जाता है। पितर पक्ष में श्रद्धा पूर्वक पितरों का स्वागत, पूजन, अर्चन, तर्पण, पिंडदान आदि करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीष देकर धरती से विदा होते हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा पितर पक्ष में पूजन विधि के बारे में पृथक पृथक राय हो सकती है। आइए हम आज आपको इस संबंध में पूरी जानकारी से अवगत कराते हैं, ताकि आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न और तृप्त कर सकें। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। जानकार विद्वानों के अनुसार पुराणों में जो वर्णन मिलते हैं, उनके अनुसार सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता तथा अन्य पूर्वजों का श्राद्ध तथा पिंडदान कर सकता है। यदि बड़ा पुत्र न हो या उसके द्वारा तर्पण किया जाना संभव न हो तो छोटा पुत्र भी इस विधि को पूरा कर सकता है। पुत्रों की अनुपस्थिति में भांजा, भतीजा या पोता इस विधि को पूरा कर सकता है। विद्वानों का मानना है कि पितर पक्ष में श्राद्ध कर्म के रूप में पिंडदान, तर्पण तथा ब्राह्मण भोज ये तीन मुख्य कार्य किए जाते हैं। सर्वप्रथम दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, तथा जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर गाय की दूध, धान, शहद, घी एवं शक्कर को मिलाकर पिंडों का निर्माण करें और इन्हें अत्यंत श्रद्धा भाव से अपने पितरों को अर्पित करना ही पिंडदान कहलाता है। इसके अलावा तर्पण करते समय जल में काले तिल, कुश तथा सफेद पुष्प मिलाकर विधि पूर्वक पूजा संपन्न करें। इस सब के लिए जानकार आचार्यों के सानिध्य में अगर आप इस काम को करते हैं, तो आपसे भूल होने की गुंजाइश नहीं के बराबर ही होती है। तर्पण तथा पिंडदान के बाद तीसरा कार्य भी पूरा करें, जो कि ब्राह्मण भोजन का कार्य है। पितर पक्ष के इस 16 दिन के दौरान यदि आपके घर में कोई भी अनजान या पहचान के भी या कोई पशु पक्षी या कोई भिक्षुक कोई भी आपके द्वार पर आए, तो उन्हें भोजन अवश्य कराए। किसी भी प्रकार से उनका तिरस्कार न करें। पितर पक्ष के दौरान मांस, शराब जैसी चीजों का सेवन न करें। ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध कर्म दोपहर के समय कुश के आसन पर बैठकर करें। दोपहर के समय कुतुब बेला होती है, जो सामान्यतः 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है। इस दौरान एक थाली में कौवा, गाय, कुत्ता तथा दूसरी थाली में पितरों के लिए भोजन रखें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करें तथा जिन पितर देव के लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, उनको याद करते हुए इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। ओम देवाभ्यः पितर्भ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाध्याय स्वाहाया नित्यमेव भवन्तु ते। यदि आपसे इतना सब कुछ कर सकना संभव न हो, तो केवल एक लोटे में थोड़ा जल तथा काले तिल जो मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण कर सकते हैं। यदि भोजन पकाना आपसे किसी प्रकार से संभव न हो, तो आप फल तथा मिठाई का भी दान कर सकते हैं। आइए जानिए कि पितर पक्ष में दान का महत्व क्या होता है। जिस तरह हम किसी भी शुभ कार्य या पुण्य तिथियों में दान दक्षिणा का कार्य करते हैं, उसी प्रकार पितर पक्ष के दौरान पितरों के मन की शांति के लिए कुछ चीजों का दान महत्वपूर्ण माना जाता है। पितर पक्ष के दौरान 10 वस्तुओं का दान महत्वपूर्ण है। इसमें गाय, भूमि, वस्त्र, काला तिल, सोना, घी, गुड़, धान, चांदी, नमक, इन वस्तुओं का दान पितरों को तृप्ति प्रदान करता है। पितरों के तर्पण करने से पूर्व सर्वप्रथम दिव्य पितर तर्पण करना होता है। उसके बाद देव तर्पण करे, फिर उसके बाद ऋषि तर्पण किया जाता है।
फिर दिव्य मनुष्य तर्पण करने के बाद ही स्वयं पितर तर्पण किए जाने की परंपरा है। जानकार विद्वान बताते हैं कि इन विधियों के बाद पितर चाहे किसी भी प्रकार की योनि में क्यों न हो, वह आपके द्वारा किए गए श्राद्ध का अंश स्वीकार कर लेंगे। इससे पितर को संतुष्टि मिलती है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है तथा उनकी आत्मा मुक्त होकर उच्च योनि में चली जाती है। वहीं विद्वानों का यह भी मत है कि पितरों का श्राद्ध न करना उनको दुःख पहुंचाने जैसा ही है, इससे आपको पितरों का श्राप भी मिल सकता है। यही कारण है कि ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति तथा महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी श्राद्ध एवं तर्पण से प्राप्त फलों का वर्णन किया गया है। आइए अब जानते हैं कि पितरों की प्रसन्न कैसे किया जाए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्राद्ध के साथ तर्पण और पिंडदान करें। मनुष्य की सच्ची श्रद्धा भाव से पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों की पूजा के दौरान आपने जो भोजन पांच जीवों के लिए निकाला है, उसे पूजा खत्म होने के बाद इन जीवों को खिलाना चाहिए। देव, पीपल, गाय, कुत्ता और कौवे को अन्न और जल देने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ मछलियों और चींटियों को भी अन्न देना चाहिए। पितर पक्ष में ब्राह्मण को भोज कराने का बहुत महत्व होता है। इस दौरान ब्राह्मण को सम्मान पूर्व घर में आमंत्रित करें और भोजन के साथ यथा संभव दान दक्षिणा भी जरूर दें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितर पक्ष के दौरान अपने द्वार पर पितरों के लिए दीपक जरूर जलाएं। पितरों के लिए दीपक दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाएं और वही खाएं। मांस मदिरा से दूरी बनाकर रखें। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर पितर पक्ष के दौरान श्राद्ध करते हैं तो आपकी परेशानियों का अंत होता है और पितर प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।